नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। मैं हूं कृष्ण। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूं, और उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं अभी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद मैंने कुछ इनकम सोर्सेस सेट किए हैं। उनमें से है वर्चुअल हाउसेस। और फिर उसके बाद कई सारे लोगों के कॉमेंट्स आए, ईमेल्स आए कि सर हमें वर्चुअल हाउसेस के बारे में बताइए। मैं इतनी जल्दी नहीं बताना चाहता था, लेकिन आप लोगों की जिज्ञासा देख के मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या है वो वर्चुअल हाउसेस। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो आज मैं कंपेयर करूंगा रियल हाउस वर्सेस वर्चुअल हाउस, जो मेरे केस में हुआ। पहले मेरे पास एक रियल हाउस था, मतलब एक फिजिकल घर जो मैंने खरीदा था दिल्ली में, और उसे बेचने के बाद मैंने वर्चुअल हाउस ले लिया है। ले लिया है, क्या किया है एग्जैक्टली वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो शुरू में ही बता दूं कि ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए। मैंने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया है, और क्या वो एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या मैंने कैलकुलेशन किए हैं, क्या कंसिडरेशन किए हैं, क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी आप ये वाली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां आप वॉच कर सकते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपको अपील करता है ये आइडिया तो जरूर आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है। तो उसी के साथ आइए आपको आगे बताता हूं कि क्या है वर्चुअल हाउस। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं बाइंग अ हाउस इज अ वर्दी इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है वीडियो जो घर खरीदते हैं उसमें रहने के लिए, आपकी नौकरी है और आप परमानेंटली एक जगह रहना चाहते हैं और आपने उसके लिए घर लिया है, वो बहुत अच्छा डिसीजन है, बेस्ट है। उसी के लिए मैंने दिल्ली में घर लिया था, लेकिन क्योंकि मेरा ट्रांसफर, मेरी वाइफ का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, इसलिए मैं अब नई सिटी में रह रहा हूँ। इसलिए वो घर मेरे लिए इतना वैल्यू के लिए वो उतनी वैल्यू नहीं दे रहा था। तो वही मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि उसकी जगह वो एज एन इन्वेस्टमेंट ना रख के मैं क्या कर सकता था उस पैसों के साथ जो मैंने किया, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जो लोग घर को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, उनके लिए वीडियो शायद काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ, हाउ मच डिड माई रियल हाउस कॉस्ट मी। तो जो मैंने घर खरीदा था तो मुझे क्या क्या पेमेंट करनी पड़ी, तो टोटल कितना कॉस्ट आया। सबसे पहले वो घर की कॉस्ट थी 50 लाख रुपीज, और उसकी जब आप रजिस्ट्री करने जाते हैं 6.5%, क्योंकि मैंने वाइफ और अपने दोनों के नाम पे लिया था, तो वो था स्टैम्प ड्यूटी और वगैरह वगैरह चार्जेस, तो वो पड़ा लगभग 3,25,000, 3,25,000। ब्रोकर, बिकॉज इट वॉज थ्रू अ ब्रोकर, सो आई हैड टू पे 1% ऑफ द परचेज फी टू द ब्रोकर, विच वॉज लाइक 50,000 रुपीज, एंड देन अदर मिसलेनियस एक्सपेंसिज लाइक लॉयर्स, डॉक्यूमेंटेशन फीस एंड समथिंग समथिंग, दैट वॉज अराउंड 10,000 रुपीज। सो देन आई ऑल्सो हैड टू रेनोवेट द हाउस, तो रेनोवेशन करना पड़ा मुझे घर का। एक और मैंने फ्लोर बनाया था उसके ऊपर, उसमें टाइल्स लगाई, पूरा एक नया सेटअप किया, तो उसका मुझे एडिशनल कॉस्ट आया 5 लाख रुपीज दोनों फ्लोर्स के लिए। और वो एक अपार्टमेंट था, जस्ट टू बी क्लियर, नॉट अ प्लॉट पे बना हुआ घर नहीं, एक अपार्टमेंट लिया था मैंने, लेकिन उसमें मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपने टेरेस पे एडिशनल फ्लोर बना सकता था। उसके रेनोवेशन में प्लस नीचे वाले फ्लोर के रेनोवेशन में 5 लाख रुपीज लगे, तो टोटल मेरे लग गए लगभग 59 लाख रुपीज एंड मोर। यहाँ पे खत्म नहीं हो जाते हैं खर्चे, आइए देखते हैं और क्या। सबसे पहले मुझे अरेंज करने थे वो फंड्स, तो मैंने क्या क्या किया, डाउन पेमेंट अरेंज किया, क्योंकि मैं ज्यादा लोन नहीं लेना चाहता था, तो मैंने 50% डाउन पेमेंट अरेंज किया, विच वॉज 25 लैक्स। फिर 50% अरेंज किया होम लोन, अगेन 25 लैक्स, और बाकी के जो खर्चे जो मैंने पिछले स्क्रीन पे आपको दिखाए, 8,85,000 रुपीज, वो अरेंज करने थे। तो अब देखते हैं होम लोन की कॉस्ट क्या पड़ी। जो मैंने होम लोन लिया तो 25 लाख रुपीज का होम लोन लिया, और जब मैंने वो लोन लिया था वो था 2014, उस वक्त होम लोन के रेट ज्यादा थे अभी से, अभी तो ऑलमोस्ट लाइक 6.5% तक भी मिल रहा है, लेकिन तब के टाइम पे वो था 10.15% पर एनम रिड्यूसिंग। एंड मैंने जो लोन लिया था वो मैंने लिया 15 इयर्स के टेन्योर का, तो मेरी पर मंथ ईएमआई बनकर आई उस वक्त 27,095 रुपीज। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना टोटल इंटरेस्ट मैं दे रहा था 25 लाख के लोन पे, अगर मैं पूरा टेन्योर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहता, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चेंज होता, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स होता 24 लैक्स ऑलमोस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। तो ये आप ब्रेकअप देख सकते हैं, कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट 50% इंटरेस्ट में ही चला जाता 15 ईयर्स में। तो ये सबसे बड़ा डाउन साइड होता है जब आप होम लोन लेते हैं।
अब देखते हैं और क्या कॉस्ट पड़ती है जब आप एक घर खरीदते हैं। जब मैंने वो घर खरीदा तो मेरे को एनुअल हाउस टैक्स पड़ता था 1,000 रुपीज, और एनुअल मेंटेनेंस, क्योंकि हर 2 साल में व्हाइट वॉश कराना पड़ता है और बाकी मेंटेनेंसेस बीच में आती रहती हैं, कुछ टूट फूट हो गया, कुछ नया लगाना है, तो ऑन एन एवरेज 40,000 2 साल में लग जाते हैं। तो 1 साल का मैंने 20,000 निकाल दिया। ये है एडिशनल कॉस्ट, जो अभी तक हमने कॉस्ट की बात करी उसके अलावा। अब देखते हैं सेविंग्स क्या हुई रियल हाउस से। तो ये पिक्चर अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैंने ये पिक्चर क्यों चूज करी, आप खुद समझ जाएंगे। मंथली रेंट, तो अगर आप घर में खुद रह रहे हैं तो आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, जो मेरे केस में था उस वक्त। तो 15,000 रुपीज की मेरी रेंट सेविंग हो रही थी। और मंथली ईएमआई, बाद में मैंने कुछ ही समय बाद थोड़ा होम लोन का इंटरेस्ट घटा था और मैंने अपनी मंथली ईएमआई बढ़ा दी थी, बिकॉज मेरी सैलरी में हाइक हुई थी और मैं चाहता था मेरा लोन जल्दी निपट जाए। तो मैंने अपनी मंथली ईएमआई कर दी थी 40,000 रुपीज। तो जब मैंने रिसेंटली होम लोन क्लोज किया उस वक्त 40,000 रुपीज मेरी ईएमआई थी इसी साल। तो नेट मंथली आउटगोइंग, मतलब मेरी पॉकेट से जा रहे थे 25,000 रुपीज, जस्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने बाकी एक्सपेंसेस पहले बताए वो अलग। तो ये पेनीज बचती हैं, मतलब बच कहाँ रही है, इनफैक्ट मेरी जेब से जा रहे थे। तो जब मैंने ये रियलाइज किया कि घर लेने पे मुझे फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ऑफकोर्स कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं। मेरी टैक्स सेविंग हो रही थी, लेकिन वो टैक्स सेविंग सिर्फ इंटरेस्ट पे होती है, और प्रिंसिपल पे भी होती है। 1,50,000 एक साल में आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है, बट मेरे केस में मैंने ऑलरेडी और जगह इन्वेस्ट किया था, लाइक पीपीएफ एंड इंश्योरेंस वगैरह। तो मेरे को वो 1,50,000 का कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उससे ऊपर था। तो मेरी सिर्फ टैक्स सेविंग होती थी, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था उस पे। तो मैंने क्या लेसन सीखे इस एनालिसिस के बाद। हैविंग अ हाउस वॉज पुलिंग मनी आउट ऑफ माई पॉकेट। तो जैसा अभी हमने कैलकुलेशन में देखा, मेरी जेब से पैसे जा रहे थे, मेरी कोई सेविंग, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही थी, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था मुझे उस घर को रखने का। सो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा है, अगर मैं फिर जब मैं यहाँ मूव हो गया दूसरी सिटी में और वो दिल्ली का घर खाली हो गया, मैंने सोचा क्या मैं इसे किराए पे लगा दूँ, क्या करना क्या चाहिए मुझे एग्जैक्टली। अगर मैं इसे बेच दूँ तो उन पैसों का मैं क्या करूँ, कैसे मैं उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाऊँ। तो ये है अब आगे का पार्ट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना हाउस बेचा, क्योंकि कोविड की वजह से और बाकी फैक्टर्स लाइक डिमोनेटाइजेशन कुछ समय पहले आया था, उसकी वजह से मेरा घर का जो नेट कॉस्ट थी वो बढ़ी नहीं, मुझे सिर्फ 50 लाख रुपीज मिले। तो नो गेन ऑन द इनिशियल परचेज। लेकिन मैंने क्या किया, घर बेचने के बाद मैंने अपना होम लोन पे कर दिया। तो ऑलमोस्ट लाइक 10 लाख रुपीज मेरा लोन पेंडिंग था, वो मैंने सारा पे कर दिया। वो मेरा लास्ट लोन था, उससे पहले मैंने सारे लोन्स जो भी कुछ लिए थे थोड़े बहुत बहुत पहले पे कर चुका था, लेकिन होम लोन मैंने रिसेंटली पे कर दिया घर बेचने के बाद। वो सबसे पहला काम किया मैंने। उसके बाद बच गए मेरे पास 40 लाख रुपीज, उनको मैंने इन्वेस्ट कर दिया 3 अलग अलग जगह। FD, फिक्स डिपॉजिट, GOI बॉन्ड, दिस इज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉन्ड देती है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जिसमें अभी 7.15% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां पे कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। और तीसरा इन्वेस्ट किया वर्चुअल हाउस में, जिसके ऊपर ये मेन वीडियो मैंने बनाया है आज। और ये सारा आपको ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सीधा मैं वर्चुअल हाउस की बात बताता तो आप वो इमोशंस, वो जो फैक्ट्स है वो नहीं रिलेट कर पाते आपकी वर्चुअल हाउस में पैसा क्यों डाला, क्योंकि जो रिस्क है उन्हें जस्टिफाई भी करना है। ऑफ कोर्स रिस्क है, बट कैलकुलेटेड रिस्क है, ये मैं कहना चाहूंगा। तो ये है वो फंड इन्वेस्टमेंट जो अलग अलग जगह मैंने की। तो फिक्स डिपॉजिट, आई नो इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के लिए मैं फिक्स डिपॉजिट को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट हमेशा बना के रखता हूँ। तो इस केस में मैंने 6 लाख रुपीज फिक्स डिपॉजिट कर दिए, जिससे मंथली इंटरेस्ट लगभग 2,750 आ रहे हैं मेरे पास। और जो मैंने अभी बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड, उसमें मैंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए और मंथली इंटरेस्ट उससे मेरे को आ रहा है 5,958। इंटरेस्ट अलग अलग पीरियड में मिलते हैं, लाइक आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लोग जानते हैं वो कहेंगे कि इसमें तो हाफ ईयरली मिलता है, ऑफ कोर्स हाफ ईयरली मिलता है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के लिए, ये समझाने के लिए कि मंथली कितना बन के आता है, वो यहाँ पे कैलकुलेशन बताए हैं। हर मंथ मेरे पास ये नहीं आता है, ये 6 मंथ्स में आता है। और जो FDs मैंने की है वो मैंने क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट के लिए की है, तो मेरे को क्वार्टरली वो आ रहे हैं। और तीसरा मैंने किया वर्चुअल होम, जिसमें मैंने लगाए 20 लाख रुपीज। इसका मैं, अगर आपने वो पिछला वीडियो देखा हो जहां मैंने कहा था मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूं और मुझे 20 लाख के करीब लगा के 30,000 रुपीज पर मंथ का लगभग बेनिफिट हो रहा है, तो
तो वो ये है वर्चुअल होम, तो ये बन के आता है लगभग 18% पर एनम। और क्योंकि जो वर्चुअल होम का वो फंडा है उसमें कैश की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैंने 4 लाख रुपीज कैश रिजर्व रखा, वो मैंने इन्वेस्ट कहीं नहीं किया। तो इससे क्या बन के आया मेरा टोटल मंथली रिटर्न्स 38,700 रुपीज। अब मान लेते हैं इस पे टैक्स लगेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर टैक्सेबल, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है, तो मेरा टैक्स ब्रैकेट अभी 20% का है, तो उससे मेरा टैक्स कट जाएगा 7,700 रुपीज। तो मेरे नेट रिटर्न्स होंगे लगभग, मैंने राउंड अप कर दिए हैं, 31,000 रुपीज पर मंथ। अब इसे एक स्टेप वापस जाते हैं, जब मेरे पास वो घर था, मैं उसमें रह रहा था, या मैं उसे किराए पे लगा था 15,000 रुपीज और होम लोन मेरा चल रहा होता, तो मेरे पॉकेट से 25,000 रुपीज पर मंथ जा रहे थे मिनिमम, उससे ज्यादा जा रहे थे इनफैक्ट। लेकिन अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद मेरे पास लगभग आ रहे हैं ऑन एन एवरेज 31,000 रुपीज। सो जो आउटगोइंग था उससे ज्यादा अब इनकमिंग हो गया है। अब देखते हैं कि क्या है ये वर्चुअल होम, बिकॉज बाकी एफडी आपको पता है, जियो बॉन्ड को मैंने क्विकली बता दिया है, अगेन आप एफडी की तरह कह सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा सिक्योरिटी है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और मैंने रिसेंटली इसी साल इसके बारे में जाना है, जिस 7 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यही एक इसका ड्रॉबैक जो मुझे लगा, बाकी सारे इसके अच्छे फैक्टर्स हैं जब हम सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बेटर देन एफडी। एफडी में सिर्फ लिक्विडिटी ज्यादा होती है क्योंकि आप कभी भी उसे ब्रेक कर सकते हैं, बाकी सारा जीओआई फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ज्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं डिटेल में, तो प्लीज कॉमेंट में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की, अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उस वर्चुअल हाउस की, क्या है वो वर्चुअल हाउस, क्या किया मैंने एक्चुअली वर्चुअल हाउस को क्रिएट करने के लिए। तो जैसा आप जानते हैं वर्चुअल मतलब इट्स नॉट फिजिकल, इट्स नॉट रियल, इट्स कंप्यूटर वर्ल्ड में, यू नो, ऑन द इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, दैट्स व्हाट वर्चुअल इज। वर्चुअल हाउस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने खरीदा स्टॉक्स जो ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली मैंने इनमें से 2 खरीदे हैं, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप कौन कौन से स्टॉक्स कंसिडर करते हैं, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, सन फार्मा, जो ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं। उसको खरीदने के बाद उसको कितना खरीदना है, 1 लॉट के बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बीपीसीएल खरीद रहे हैं, उसका 1 लॉट जो भी होगा इनटू द करंट मार्केट प्राइस, उतना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि लगभग ऑलमोस्ट सब में 10 लाख या उसी के आसपास आता है, किसी में थोड़ा कम भी आता है, लेकिन लगभग ऑन एन एवरेज 9 to 10 lakhs आपके इन्वेस्ट होते हैं। फिर वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे आप मंथली कॉल ऑप्शंस, बिकॉज स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी ही होती है, तो मंथली कॉल ऑप्शंस आप राइट करते हैं, जिससे आपको प्रीमियम मिलता है 0 to 15,000। अब मैंने 0 क्यों कहा है, कई बार कई सिचुएशंस में वो 0 भी होगा, आपको नहीं मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है वो सिचुएशंस, लेकिन अप टू 15,000, इनफैक्ट मोर भी आप ज्यादा भी कमा सकते हैं 15,000 से, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने कहा है 15,000 पर मंथ। एंड देन इंट्राडे, तो कुछ समय पहले महेश सर ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था कि कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं विद 0 loss स्ट्रेटजी, मुझे वो बहुत पसंद आया, मैं ऑलरेडी वो बाय लो सेल हाई में यूज कर रहा हूँ और कुछ छोटे मोटे प्रॉफिट मैंने वहां कमाए हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को बड़े लेवल पे कमाने के लिए मैंने इस स्ट्रेटजी में भी शामिल किया है, तो उससे लगभग आएगा 0 to 15,000 पर मंथ, ज्यादा भी आ सकता है ऑफ कोर्स, अगेन दिस इज एन एवरेज। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट कि वो स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि आप काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है कि वो ऑप्शंस में ट्रेड होना चाहिए, बिकॉज हम ऑप्शन कॉल राइटिंग करने वाले हैं, तो ऑप्शंस में ट्रेड होना जरूरी है। और जब आप उसका चार्ट देखें, यू नो, आप गूगल की वेबसाइट पर जाके उसका जब शेयर प्राइस खोलते हैं, तो आप 1 day, 5 day, 1 month और बाकी सारा 1 year, 5 year एंड मैक्स वाले सारे ऑप्शंस आते हैं। जब आप उसका मैक्स वाला चार्ट देख रहे हैं, तो रीसेंट टाइम्स में वो डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोल इंडिया का चार्ट देखें, तो वो अभी डाउन ट्रेंड में दिखेगा, तो इस स्ट्रेटेजी के लिए कोल इंडिया सही नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले न्यूज जरूर चेक कर लें उस स्टॉक से रिलेटेड, क्या कोई पॉजिटिव न्यूज है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज है या कोई न्यूज नहीं है। No news is still okay, but negative news है तो वो stock कभी नहीं select करना है। Positive news of course तो आप select करेंगे ही, लेकिन negative news पे नहीं select करना है, उसे ignore कर दो, reject। और अगर वो stock एक good dividend या dividend देता है, most of the Nifty 50 stocks do give dividend, तो वो एक सोने पे सुहागा है,
नो इट्स लाइक एन एडेड बोनस. अब जब हम कॉल ऑप्शन राइट करें, हमने सब खरीद लिया, उसके लिए जिसमें एक पॉइंट यहाँ पे डाला है, हो सकता है उस स्टॉक का प्राइस नीचे चले जाए धीरे धीरे और ऐसे लेवल पे आ जाए जहां पे आपकी कॉल्स कवर्ड ना हो. नेकेड कॉल्स कभी राइट मत करना, इसमें बहुत रिस्की होते हैं. तो कवर्ड नहीं हो कॉल, ऐसे सिचुएशन भी आ सकता है. अगेन बिकॉज हम वर्चुअल हाउस की तरह से देख रहे हैं, इस सिचुएशन को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब आपके पास टेनेंट ही नहीं है कुछ महीनों के लिए, तो आपको कोई किराया नहीं आएगा उस घर से. और उस वक्त आप ये भी फायदा उठाते हैं कि आप अपने घर की मेंटेनेंस कर लेते हैं, यू नो रेनोवेशन कर लेते हैं, वाइट वॉश करा लेते हैं, उसमें आपके पॉकेट से खर्चा होता है. उससे कंपेयर कर सकते हैं आप उस सिचुएशन को जब स्टॉक का प्राइस नीचे चले जाए और हम कॉल ऑप्शंस राइट नहीं कर पाए और कोई प्रीमियम नहीं कमा पाए. बहुत सारा साइकोलॉजी का गेम भी हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने पूरी कहानी आपको पीछे बताई थी कि रियल हाउस वर्सेस वर्चुअल हाउस, रियल हाउस में होता क्या है एक्चुअली. अब रिस्क इन्वॉल्व, ऑफ कोर्स शेयर मार्केट में किसी भी स्ट्रेटजी में रिस्क होता है. ये स्ट्रेटजी कोई ऐसी इम्यून स्ट्रेटजी नहीं है. तो रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड. और दूसरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो हमारा स्टॉक है उसके प्राइसेस नीचे जाने के पूरे चांसेस है. ऑफ कोर्स आप वो चूज करने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर जाने के चांसेस हो या स्टेबल भी रहे, तो भी ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम करेगी, लाइक ज्यादा स्विंग ना हो. लेकिन नीचे जाने के लगातार चांसेस हो तो वो स्टॉक अच्छा नहीं माना जाता. तो हो सकता है हमारे स्टॉक में ऐसा हो जाए, तो पेशेंस बहुत जरूरी होगा. अगर वो नीचे जाए तो आपको पेशेंटली काम करना होगा. इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अभी ये स्ट्रेटजी आप स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो आपसे शेयर करूंगा. इनफैक्ट अब मैं आपको वही दिखाता हूँ जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो ये वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स को मैंने ब्रेकअप किया, ठीक है. इसकी गूगल शीट का लिंक मैं आपको दे दूंगा. दो स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किए फिलहाल, मैंने फेब में स्टार्ट किया, पिछले महीने फेब 2021, सन फार्मा, बिकॉज उस वक्त वो डिविडेंड देने वाला था, उसके बेसिस पे मैंने देखा और उसका चार्ट देखा उस वक्त कि क्या है उसका चार्ट. नेगेटिव चार्ट तो नहीं है, मतलब डाउन ट्रेंड तो नहीं दिखा रहा है, वो अप ट्रेंड दिखा रहा था, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है. तो उसमें क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टॉक को खरीदा 5 फेब को. उसका उस वक्त प्राइस था 642 रुपीज 20 पैसा और एक लॉट का साइज होता है 1400, तो मैंने उतना इन्वेस्ट कर दिया. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना इन्वेस्ट किया, ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीस. अभी वो सेल नहीं हुआ है, लेकिन पोटेंशियल सेल प्राइस, अभी इसकी बात करता हूँ थोड़ी देर में. नीचे देखते हैं ऑप्शन कॉल्स जो मैं ऑलरेडी राइट कर चुका हूँ. तो पहली कॉल मैंने राइट करी थी 5 फेब को, फेब एक्सपायरी की 700 स्ट्राइक प्राइस की, जिसमें मुझे मिला प्रीमियम 8800 रुपीज. और 17 फेब को, बिकॉज सन फार्मा का प्राइस नीचे आ गया था, मैंने देखा कि मार्च की एक्सपायरी एट 700, वो भी मैंने राइट कर दी थी. करेंटली मेरे पास मार्च की एक्सपायरी 660 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है जो मैंने राइट करी हुई है, और ये है उसका प्रीमियम 17,500 रुपीज. तो ओवरऑल प्रीमियम मैंने अभी तक कमाया है 33,110 रुपीज इन अ मंथ. एंड डिविडेंड भी इसका आया आफ्टर TDS, इट वॉज 7,122. तो ये दो चीजें मैंने कमा ली हैं. करंट वैल्यूज की अगर मैं निकालूं तो मैं अभी -2.80 के नोशनल लॉस में हूं, क्योंकि इसका प्राइस 595 पे आया गया था 27 फेब को, 26 फेब इनफैक्ट. ये जस्ट मैंने वीडियो 27, ये डेटा मैंने 27 को डाला था. और अगर ये क्रॉस कर जाता है अपने स्ट्राइक प्राइस को और ऑटोमेटिकली हम इसे सेटल होने देते हैं एक्सपायरी डेट में, तो 660 पे मैं ये सेल कर दूंगा, बिकॉज दैट्स माई स्ट्राइक प्राइस. एंड उसके लिए मुझे मिलेंगे 1400 मेरी क्वांटिटी है, तो मेरा अमाउंट रिसीव्ड उस वक्त हो जाएगा 9,24,000. तो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने कितना इन्वेस्ट किया, कितना प्रीमियम मिला, कितनी कॉल ऑप्शन से मुझे प्रीमियम मिला, कितना डिविडेंड मिला, वो सब एड माइनस वगैरह करके नेट प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 65,000 रुपीज, विच इज लाइक 7.25% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट. तो ये होगा मेरा सन फार्मा का, अगर वो स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर जाता है. अगर नहीं करेगा तो मैं उसे बेचूंगा नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की कॉल राइट कर दूंगा. और वो जो इंट्राडे मैंने बताया वो मैं BPCL में आपको दिखाता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल. बाकी सारा डेटा पूरा ऊपर देख सकते हैं, सेम चीज जो मैंने सन फार्मा में बताई यहाँ पे भी मैंने वो की है. इसमें मेरी प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिट 37,800 है, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 5% ऑफ माई इन्वेस्टेड अमाउंट, बिकॉज BPCL का प्राइस ऊपर गया. BPCL डाइवेस्ट होने वाला है, उसी के बेसिस पे मैंने इसे खरीदा था और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू प्लस में है, ठीक है. और अगर ये मेरे स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर जाता है, जो मेरा प्रेजेंट स्ट्राइक प्राइस है
कॉल जो मैंने राइट करी है जो येलो में देख रहे हैं, उस वक्त मेरे को वैल्यू मिलेगी, नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,28,000, विच इज लाइक 16%। अब इंट्राडे की बात कर लूँ, अभी तक मैंने इंट्राडे शुरू नहीं किया है, क्योंकि ये आइडिया एक्चुअली मेरे को फ्राइडे को स्ट्राइक किया कि मैं इनमें भी इंट्राडे कर सकता हूँ महेश सर की जीरो लॉस स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है, अगर मैं सेल करता फ्राइडे को 1800 क्वांटिटी, बिकॉज बीपीसीएल ने 463 के ऊपर गया था, 463 पे मैं सेल कर लेता और सिर्फ 0.5% का बाय टारगेट रखता, यानी कि 0.5% जैसे ही वो 463 से ड्रॉप होता नीचे आता तो मैं उसे बाय कर लेता, यानी अपनी पोजीशन क्लोज कर देता, तो वो प्राइस होता 460 रुपीज 70 पैसा। 0.5% मूवमेंट बहुत आसानी से यूजुअली आ जाते हैं निफ्टी 50 में, अगर नहीं भी आता तो मुझे ये 463 पे सेल करके मैं उस एग्जिट कर लेता और दोबारा खरीद लेता क्योंकि प्राइस नीचे आ गया था उसके बाद, लेकिन मैंने किया नहीं फ्राइडे को, इसलिए मैंने यहाँ हाइपोथेटिकल लिखा है। तो उसका प्रॉफिट मुझे आता 4,000। तो इंट्राडे में भी बहुत पावर है स्ट्रेटजी में, बिकॉज हमारे पास पूरा का पूरा लॉट पड़ा है एक स्टॉक का। तो 0.5 को अगर मैं 0.25 या 0.3 ऐसे भी कर दूं तो भी मेरे पास 2,000 3,000 का प्रॉफिट आ जाएगा इंट्राडे में, और महीने में अगर मैं तीन चार बार भी इंट्राडे कर पाऊं तो मेरे पास अप टू 15,000 तो प्रॉफिट बन ही जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा अरेंजमेंट जो मैंने किया है अपने वर्चुअल हाउसेस के लिए अपने रियल हाउस को बेचने के बाद। उम्मीद करता हूँ मैं समझाने में कामयाब हुआ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मेरी क्या थिंकिंग है ये सब करने के पीछे, और ये लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा इस गूगल शीट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे अभी फिलहाल सिर्फ वॉच कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैंने रिस्क लिया है ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा एक कैलकुलेटेड रिस्क है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये रिस्क अगर मेरे को वहां डाउन में ले जाता है तो मेरे पास एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी, वो सब मैंने तैयार किया है, लेकिन अभी मैं वो शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स में हो रही हैं। तो अभी सिर्फ आप वॉच कीजिए, इससे इस स्ट्रेटजी से अभी इन्वेस्ट नहीं कीजिए, तो एटलीस्ट 1-2 महीने वॉच कीजिए मेरी गूगल शीट, बीच बीच में मैं अपडेट लेकर लाइक एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स मैं एक और अपडेट इस पे बनाऊंगा कि क्या हुआ एक्चुअली, और ऑफकोर्स गूगल शीट से आपको लाइव डिटेल्स तो मिलती ही रहेंगी, और इसको मैं रेगुलरली अपडेट करूंगा क्योंकि पैसों के पेड़ को मैं नहीं कर पाया, बिकॉज वहां से मुझे अपना पैसा इधर उधर मूव करना पड़ा, नई नई स्ट्रेटजीज मैं ट्राई करता रहता हूँ, इसलिए पैसों के पेड़ को मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पैसों के पेड़ में इन्वेस्ट किया है आपने अच्छा किया है, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।